कुंभमेळ्यासाठी अरात्र आपल्या सर्व धर्मजागरण सर्व बंजारा समाजांचे कार्यकर्ते अरात्र प्रयत्न करून यशस्वी करण्याचे कार्य सफल होत आहे। संत गोविंदगिरी महाराज जालना हे 25 ते 30 जानेवारीला या धर्मात या आपल्या कुंभमेळ्याला भेट देणार आहे, त्यांचा प्रवचन होणार आहे, हजारो या संख्येने उपस्थित राहणार आहे, राष्ट्रधर्माचे संरक्षण होईल हे आपले 26 तारखेला गोदरीला रुतंबा देवी हे पण आपल्या कुंभमेळ्याला भेट देणार आहे। सर्व देशातून साधू संत हा कुंभमेळा ऐतिहासिक कुंभमेळा आहे। हा कुंभमेळ्यासाठी बरेच वेळेस काही लोकांचं दोष होत असेल तरी दोष बाळगायची गरज नाही। आज हा आपला समाज हिंदू धर्म आहे, बंजारा समाज भी सेवादास महाराजांनी रामाचा काहीतरी संगत गुण असल्यामुळे काही काळात 1948 पासून पोहरागड येथे धर्मगुरु रामराव महाराजांचे वडील परशुराम महाराजांनी श्री रामनवमी हा उत्सव बड़ा धामधूमीने मनाने देत असतो। राम हा अनादिकासून हिंदू धर्माचा आहे, बंजारा हा हिंदूच आहे। आज भी आमच्या शिक्षणामध्ये आमच्या कोणत्याही टीसीमध्ये बंजारा हिंदूच आम्ही लिहित असतो, याला काही तुच्छच नाही। पण काही समाजाचे काही विचार येत असते, गेल्या शेकडो वर्षापासून समाज संघटित होत नाही। जेव्हा जेव्हा कोणीतरी समाज बांधवा एकजुटासाठी निघाले की त्यावेळेस सर्व अडथळा येत असतात। और इस आयोजित कुंभ को जो एक इतिहास बनने जा रहा है, जिस इतिहास के हम सब साक्षी बनने वाले हैं, और ये इतिहास बनेगा जरूर हम सब के समर्पण से, त्याग से और सेवा के माध्यम से इस इतिहास को हम यहाँ बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो जिन जो जन जागरण समिति है जिनके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास इस भारत भूमि भारत वर्ष की परंपरा भारत वर्ष की संस्कृति भारत वर्ष के जो संस्कार है और भारत वर्ष सनातन धर्म पर जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण को रोकने के लिए और जो भोले भाले लोग हैं जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है उनको सनातन धर्म की जो अस्मिता है सनातन धर्म की जो महिमा है उसके प्रति जागृत करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो अति विशेष है। और इसकी भारतवर्ष के सनातन धर्म के सभी धर्माचार्यों को विशेष प्रसन्नता है कि इस माध्यम से जो गौर बंजारा समाज है, लभाना समाज है, नायकड़ा समाज और साथ साथ में समूचा हिंदू समाज इससे संगठित होगा, एकत्रित होगा और एक ताकत का प्रदर्शन भी यहाँ पर होगा। सभी संतों ने और सभी हमारे संघ के लोगों ने यहाँ पर ये गोत्री ग्राम में आदरणीय रामेश्वर भाव इनकी एक कल्पना है, क्योंकि सभी संत को और इस धर्म जागरण मंच को एक समाज के विषय में एक राष्ट्र के विषय में जो एक दर्द होता है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। संत को इस देश के लोगों पर जो एक दया आती है क्योंकि हमारा राष्ट्र कमजोर होते जा रहा है, इसके कारण धर्म परिवर्तन न हो इसलिए ये अखिल भारतीय गौर बंजारा लभाना नायकड़ा समाज का जो कुंभ रखा गया है कि ये समाज एकत्रित हो और अपनी जो एक अस्मिता है
उसको हम खोए नहीं। इसके लिए संतों ने और धर्म जागरण मंच ने ये कुंभ का आयोजन किया है कि समाज को कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से दूसरे धर्म की ओर न ले जाए, इसलिए समाज जागरूक रहे। आज कई लोगों का प्रश्न चल रहा है कि कुंभ क्या आवश्यकता आन पड़ी और वो गोदरी में ही क्यों। अरे हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत भूमि का एक गोदरी एक टुकड़ा है, कहीं पर भी हो लेकिन है तो वो भारत का भूमि। और जब हम भारत में जन्म लिए हैं तो हम सब हिंदू हैं। इसके लिए एक विचार संतों का मंथन करके, धर्म जागरण का मंथन करके, ये जो एक समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि आज तक बहुत कुछ देश में चल रहा था। मैं आप सबसे प्रश्न भी कर सकता हूं कि आप तक आपको पता था कहां कहां क्या क्या चल रहा है? किसी को नहीं पता था, केवल अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में। लेकिन अब सब सामने आ रहा है कि कहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कौन से गांव को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कितने गांवों में गणेश उत्सव को मना कर दिया गया है। ये धीरे धीरे सारे सामने आते जा रहा है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक था कि ये महाकुंभ रखने की, ये समय पर भगवान की कृपा है, मां जगदम्बा की दया है, क्योंकि हम सब उसकी संतान है।